मेरा एक ही लगातार एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलता रहता है, वो है एक अच्छे कंटेंट के साथ. कंटेंट हैज बीन ऑलवेज द किंग, बट नाउ कंटेंट इज बिकमिंग क्वीन टू. एब्सोल्युटली. मेरे कुछ दोस्त मुझे कहते हैं कि मेरा यूनिवर्स के साथ भी अफेयर चलता रहता है. कितने अफेयर हैं आपके? एक गुड कंटेंट, दूसरा यूनिवर्स. गली बॉय में जो मेरी सास थी वो मेरी एक्चुअल मदर है. You didn't know that. नहीं. तो ये I think बहुत से लोगों को नहीं पता है. तो उनका नाम है ज्योति सुभाष. जब आप एयरपोर्ट पे वगैरह, अरे अचार अचार ऐसे मुझे बुलाते हैं. अचार अचार जी अचार. ये दिल्ली सिक्स के लोग तो कमाल के होते हैं, आपको तो पता ही है दिल्ली के लोग जो भी होते हैं. अब देखा आपको, उनको पेल दिया आपने. मतलब मैंने कहा यार ये मतलब ये क्या बोल रहे हैं. मतलब सास बहू के साथ बड़ी सारी चीजें एसोसिएट की जाती हैं, झगड़ा कपट साजिश, बट आपने सास बहू के साथ अचार एसोसिएट कर. जी जी जी, थैंक्स टू टीवीएफ और Z5. थैंक्स टू टीवीएफ और Z5. और उनको मैं भी थैंक्स कहूंगा कि आपका एक इंटरव्यू मैंने देखा जी. और उसके बाद ही उन लोगों से मैं पीछे पड़ा उनके कि मुझे क्यों नहीं दिया. अरे तो थैंक्स टू देम कि हम आज मुलाकात कर रहे हैं. मुलाकात कर रहे हैं. वी हैड अ ग्रेट राउंड टेबल आल्सो एंड दिस इंटरव्यू आल्सो एंड थैंक्स टू यू. आप बड़ी देर वेट भी करते रहे. मतलब जी, क्योंकि मुझे आपके कई इंटरव्यूज ना एक्टर को खुद के बारे में कुछ नई चीजें बताते हैं. कुछ इंटरव्यूज तो एकदम टिपिकल रहते हैं, तो ऐसे इंटरव्यूज की मुझे जब भनक लगती है तो मुझे लगता है कि ये इंटरव्यूज करने चाहिए. तो यस, ये आपकी बदौलत है कि मैं ये मुझे लगता है ये मेरा इकलौता ऐसा इंटरव्यू होगा जिसमें एक्टर हैज वेटेड फॉर मी. यस, एक और इंटरव्यू चल रहा था. सो अगेन थैंक्स. सबसे पहले बताइए कैसा चल रहा है. अच्छा चल रहा है. राउंड टेबल्स हो रहे हैं और मुझे लगता है कि मैं हमेशा से ये सोचती आ रही हूँ कि मुझे सारे स्लॉट्स ब्रेक करने हैं. जैसे मैंने राउंड टेबल में भी आपसे बात की, तो लाइफ इज़ बीइंग वेरी काइंड. तो मुझे ख़ास तौर पे अभी जैसे कि साल ख़त्म हो रहा है, मुझे लगता है कि मुझे अरुणाब और निमिषा पांडे जो Z5 की हैं उनके प्रति मुझे बहुत कृतज्ञता लग रही है. क्योंकि देखिए, हमारे especially in India, for an actress who has been there are slots, हम कितना भी कहें, वो जब supporting actress के slots को break करके आगे जाना चाहती है, उनके लिए बहुत मुश्किल होता है. We need angels for that who stand by you. And Nimisha and Aruna, they have been such angels. और मुझे पता है कि you know they themselves told me कि there have been rooms जहाँ पे, चूँकि see it's market and things have to work commercially also, so there have been people who have been saying ki nahi nahi lekin ye to supporting hai to ye show mein to ye protagonist kaise karenge. At those times when these two people were my angels and they stood by me and they gave me this show, I think it was a big slot breaking and I'm really grateful to life for that. So I think unhone bahut sare टैलेंट को जी. मुझे लगता है ना, they have stood, yeah. खोद के निकाला. Exactly. जो हमारे आसपास था बट हमको पता ही नहीं था कि ये बंदा ये कर सकता है. बिल्कुल. टीवीएफ के आप अगर सारे शोज देखे, मतलब चाहे वो एस्पिरेंट्स हो, चाहे वो पिक्चर्स हो, चाहे वो ट्रिपलिंग, सारे कितने कमाल के एक्टर्स हैं और सब लोगों के स्लॉट्स उन्होंने ब्रेक करे हैं. So I think Arunab कमाल है उनकी टीम. TVF पे जब शो होता है ना तो आप एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव. बिल्कुल. एंड आई हैव बीन देयर फैन. यू नो मुझे उनके कंटेंट की भी फैन, क्योंकि मैं अच्छे कंटेंट की फैन हूँ. मुझे मैं सबको बताती रहती हूँ, मेरा एक ही लगातार एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलता रहता है, वो है एक अच्छे कंटेंट के साथ. ये बड़ी मजेदार बात है. मतलब बैग के सामने मेरा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर. बिल्कुल. मतलब नहीं, क्योंकि मैं पीछे पड़ती हूँ. अफेयर क्या होता है, मतलब कि आप अट्रैक्ट होते हो किसी की तरफ और आप छोड़ते नहीं हो ऐसे इंसान को. तो वो सारी जो एक अफेयर के जो गुण है, वो अगर अच्छा कंटेंट मुझे दिख जाए फिर मैं उसकी तरफ बढ़ गई. मतलब आप मुझे रोक नहीं पाते फिर उसको ये करने से. और मैं ये भी मेरा और एक फेवरेट लाइन है, तो मैं हमेशा से कहती आ रही हूँ कि कंटेंट हैज बीन ऑलवेज द किंग, बट नाउ कंटेंट इज बिकमिंग क्वीन टू. बिल्कुल. बिकॉज जो कुछ काम लगातार मैं जो पिछले कुछ दिनों से मैंने किया है, उसमें से काफी रोल्स मर्दों के लिए लिखे गए थे, जो औरतों के लिए कन्वर्ट करके वो मेरे पास आए हैं. वेदर इट्स सेक्रेट गेम्स 2, वेदर इट्स धमाका, इट वॉज अ मेल कैरेक्टर जिसको औरत बना के वो रोल मुझे दिए गए. तो आज राउंड टेबल में सारे ये कह रहे थे कि यार ये हमारे भी रोल ले रहे. मतलब लाइक द मेल एक्टर्स, दे वर सेइंग. सो आई थिंक इट्स
द ग्रेटेस्ट टाइम टू बी अ फीमेल एक्टर इन इंडिया, क्योंकि मुझे ये लगता था, मैंने मेरी दीप्ति जी से बात हुई थी, दीप्ति नवल जी से बहुत साल पहले, तो उन्होंने मुझे बताया था, उनका मैंने एक इंटरव्यू किया था, वो लिखती अच्छा, है ना इंटरव्यू जी था, क्योंकि वो लिखती है, हमारी नौकरी पे भी पता डाल दिया, नॉट ओनली मेल एक्टर्स, नहीं नहीं वो लिखती है और मैं भी लिखती हूँ, ओके, यू नो आई हैव रिटन अ बुक विच इज वन स्टेट अवार्ड इन मराठी. सो दीप्ति जी ने जब बुक लिखी और उसका जब ये हुआ था ट्रांसलेशन, सो दे कॉल्ड मी बिकॉज आई एम ऑल्सो राइटर एक्टर ना इसके लिए. तो उन्होंने मुझे बताया था कि उनके वक्त तो ये स्लॉटिंग इतनी चलती रहती थी कि एक वक्त के बाद फिर उन्होंने कहा मैंने एक्टिंग छोड़ दी, मैंने पेंटिंग, बिकॉज तो मुझे हमेशा ऐसे लगता था अमित कि भाई एक एज के बाद मैं क्या करूँगी, मतलब मैं तो स्लॉट नहीं हो सकती, दैट्स फॉर श्योर. मतलब मैंने गली बॉय किया क्योंकि वो किरदार मुझे अच्छा लगा था, नॉट बिकॉज कि वो मदर, वो सब मैंने सोचा नहीं था, बिकॉज इट वॉज अ वेरी वेल रिटन रोल. पर उसके बाद अगर वैसा ही आता जाता तो मैं कहती नहीं भाई मैं नहीं कर रही, मतलब यू नो बिकॉज कॉन्टेंट हैज टू बी देयर ना, सिर्फ ये नहीं हो पाएगा. मुझे ऐसी चीजें कभी नहीं लुभाती कि स्टार के साथ काम है, इतना सारा पैसा है, आई वॉज नेवर अट्रैक्टेड टू दीज थिंग्स. द ओनली थिंग्स दैट विल अट्रैक्ट मी वॉज, तो मुझे लगता था मेरा क्या होगा कालिया, मेरा तेरा क्या होगा ये सब मुझे, हाँ तो मुझे लगता था मेरिल स्ट्रिप जैसी एक्ट्रेसेस के लिए वहां पे कौन सी भी उम्र में अच्छे अच्छे रोल्स देखे जाते हैं हॉलीवुड में, हमारे यहाँ कब ऐसा, 30 की नहीं हुई, पहले तो क्या था, एक 25-26 साल की का तिलिस्म कि 30 क्रॉस और आप डेड है ना, खत्म हीरोइंस के लिए, लेकिन अब वो बाउंड्री, यू आर राइट, एग्जैक्टली बिकॉज़ ऑफ ओटीटी, बिकॉज़ ऑफ, सो एट दैट टाइम मुझे नहीं पता था कि ओटीटी विल हैपन टू इंडिया, बिकॉज आई स्टार्टेड व्हेन आई वाज डूइंग देन देयर वाज नामो निशान नहीं था ओटीटी का, लेकिन फिर मैं, मेरे कुछ दोस्त मुझे कहते हैं कि मेरा यूनिवर्स के साथ भी अफेयर चलता रहता है. कितने अफेयर हैं आपके? एक गुड कंटेंट, दूसरा यूनिवर्स. तो फिर मैंने उसको चीजें मांगती रहती हूँ, तो उसने ये ओटीटी का सब, मैं तो कहती हूँ मेरे लिए ये हो गया है. ओटीटी को यूनिवर्स से अफेयर अमृता है. अच्छा, फिल्मोग्राफी देखी जी, आपने काम किया मराठी में भी जी, बट हाउ द जर्नी स्टार्टेड, बचपन कैसा था, कहाँ पैदा हुई, कैसे पढ़ाई की, ये मतलब ये वाली ऐसी सब चीजें होती हैं जो ना शायद हम बहुत कम पूछते हैं जी, क्योंकि आप आते हैं सास बहू अचार, कैसा कैरेक्टर था, क्या था, ये था, वही सब पूछ के, तो आई थिंक बहुत से लोग वो भी जानना चाहते हैं व्हाट इज योर जर्नी, तो शुरुआत से मैं जानना चाहूँ जरूर, क्योंकि मुझे नहीं पता आपको ये बात पता है या नहीं, पर गली बॉय में जो मेरी सास थी वो मेरी एक्चुअल मदर है. You didn't know that. नहीं, मुझे नहीं. तो ये I think बहुत से लोगों को नहीं, बहुत से लोगों को नहीं पता है. तो उनका नाम है ज्योति सुभाष, वो NSD की पास आउट है, उनके बैचमेट्स थे नसीरुद्दीन शाह, ओमपुरी, इनकी बैचमेट है मेरी माँ. तो मतलब गुण जो है वो वहीं से जी, कहीं ना कहीं आए. बिल्कुल बिल्कुल, मतलब उन्होंने उनका गाना मुझे दिया है और उनकी एक्टिंग मुझे दी है, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनकी उस चीज़ के लिए कि मतलब ये देखो ये चीज़ गॉड्स गिफ्ट होते हैं ऐसे मुझे लगता है, तो माँ की वजह से. तो बचपन से ना मैं गाने में रहती थी, स्कूल में कभी एक्टिंग नहीं की, लेकिन जब मैं 10th में थी तो मेरी माँ ने तुगलक नाम का एक प्ले किया, आप जानते होंगे गिरीश कर्नाड साहब ने लिखा हुआ है, और उसमें सौतेली माँ का किरदार उनका था. तो मैं प्ले देखने गई तो मुझे लगता था हमारे यहाँ महाराष्ट्र में भाकरी बनाते हैं, तो यार माँ बड़ी अच्छी भाकरी टेस्टी होती है बहुत. अरे एक आध बार मुझे दिल्ली में हमारे यहाँ महाराष्ट्र से एक हाँ, लड़की काम करती है सिद्धि, तो अच्छा, वो लेके आई थी और हाँ, मतलब वो मैंने कहा नहीं मैं डाइट पे हूँ, मैं एक खाऊंगा, हाँ पूरा पैकेट खा गया मैं बैठे बैठे, वो इतनी टेस्टी थी. अरे कमाल, तो मेरी माँ वो घर पे बनाती है और कमाल की बनाती है. तो घर पे माँ भाकरी बनाती है, वही माँ वहाँ जाके, वो तो इट वॉज अ हिस्टोरिकल प्ले, तो पूरा सब पहनती थी, और इट वॉज अ विलन सौतेली माँ, इफ यू नो द प्ले, तो वो तो विलन का कैरेक्टर है, और जब उसको लेके जाते हैं तो वो चिल्लाती है, तो मैंने कहा ये औरत कर क्या रही, मतलब यहाँ पे मेरी माँ है, वहाँ जाके कुछ और हो जाती है, ये क्या माजरा है, मतलब मुझे वही पता नहीं चलता था कि ये हो क्या रहा है. एंड आई स्टार्टेड फॉलिंग इन लव विद दैट प्रोसेस कि एक इंसान इतना बदल कैसे जाता है. और मैं बहुत शाय किस्म की लड़की थी, मतलब ऐसे अंदर बहुत डर लगता था मुझे. लेकिन एक दिन आया मेरी लाइफ में जब चीज़ें पलटी, वो दिन था सत्यदेव दुबे जी का वर्कशॉप, तो जिन्होंने नसीर सर को सिखाया, जिन्होंने रत्ना जी को, सब सारे बड़े बड़े लोग, अमरीश पुरी, हाँ तो खैर मतलब बहुत दुबे जी तो भाई हाँ बहुत बड़े गुरु जी, गुरु गुरु मतलब, उनकी वर्कशॉप थी, मैं 10th में थी,
तो मुझे गुस्सा, मैंने बोला मुझे जाना है, तो मुझे, तो मैं वहाँ पे भी ऐसे छुपती रहती थी, मुझे मत बुलाओ। लेकिन दुबे जी एक तो बहुत गुस्सा तो करते ही थे, और गुस्सा करना भी चाहिए ना, गुरु है, क्या कर रहे हो, ना वैसे चिल्लाते थे, तो मुझे और भी डर लगता था, मैं छुपती रहती थी। तो एक दिन ऐसा आया विच वॉज माई टर्निंग पॉइंट एज फार एज आई एम कंसर्न। तो उन्होंने कहा सब लोग मेरी नकल उतारेंगे मेरे सामने ही, इमिटेट मी। तो मैंने कहा भाई ये तो नहीं हो पाएगा, इनके सामने कहाँ इमिटेट करेंगे। तो बाकी सारे लोग उठ के करने लगे और चिल्लाने लगे उनका जो था, तो मैं ऐसे छुपने ही वाली थी और वो मुझे ही उठाते थे, ए कम ऑन। तो मैंने कहा भाई अब गई, इनके सामने कैसे करूंगी। बट दैट जर्नी अमित, मैं उठ के उनकी, वो जहाँ बैठे थे वहां तक आना, सबके सामने मतलब आना, दैट जर्नी हैज बीन, मुझे लगता है वो लाइफ चेंजिंग जर्नी था मेरे लिए। मुझे नहीं पता था कि आगे मेरे साथ क्या होने वाला है, बिकॉज आई वाज सो शाय, सो स्कैर्ड, सो बंद। तो मैं आई और बाकी सबने वो चिल्लाने का एक्टिंग किया था, तो मैंने पता नहीं, मैं गई और उनके सामने सिगरेट का पैकेट पड़ा था। उनकी एक आदत थी सिगरेट, जिस तरह से वो पीती थी, तो वो क्या करते थे, ऐसे सिगरेट का पैकेट उठाते थे, उसमें से सिगरेट निकालते थे और वो टैप करने लगते थे उस, और वो मुंह पे जाती थी उस, तभी उनको कुछ पॉइंट याद आता था, फिर वो टैप करने लगते थे। तो वो सिगरेट यहां से यहां जाने तक 1.5 घंटा लगता था, क्योंकि जब उनकी लिंक लगी है ना, तो ऐसे करते थे, फिर उनको कुछ याद आ जाता था ऐसे। तो मुझे नहीं पता था कि मैंने कब ऑब्जर्व किया है, क्या किया है, बट आई सडनली स्टार्टेड डूइंग दैट, कि मैंने वो सिगरेट का पैकेट उठाया, वो टैप करने लगी, और उनका मैनरिज्म, और वो कुछ चंद जो लम्हे थे, मुझे लगा मैं दुबे जी हूँ, एंड आई फॉरगॉट, मुझे कुछ डर नहीं लगा कि उनके सामने मैं कर रही हूँ, मैं किसके सामने हूँ, आई जस्ट फॉरगॉट। और वो ट्रांसफॉर्मेशन मैंने पहली बार रियलाइज किया या फिर एक्सपीरियंस किया, और मैंने देखा कि एकदम सन्नाटा है, और दुबे जी इज लाइक लुकिंग एट मी वेरी सरप्राइज्ड। और जब मैं उस स्पेल से बाहर आई, तब सडनली आई वाज स्कैर्ड एंड आई जस्ट केप्ट इट, आई एम लाइक आई एम सॉरी, एंड ही इज लाइक यू डिड वेल, व्हाट वाज दैट, एंड ही टोल्ड माई मदर, आपकी बच्ची, तुम्हारी बेटी ने, एंड देन आई वाज लाइक व्हाट वाज दैट, जब ना डर था, ना कुछ था, ना मैं थी, भाई ये तो डिविनिटी वाली बात हो गई कि सचमुच मैं नहीं थी उन कुछ। दैट चेंज माई लाइफ। तब तक मैं डांस सीख रही थी, भरतनाट्यम में गाना सीख रही थी, उसके बाद सारे क्लासेस बंद हो गए और मैं एक्टिंग की तरफ चली गई। शुरू से ही था कि एक्टर ही बनूंगी, कोई डॉक्टर इंजीनियर टाइप वाली चीज न, मेरे पिताजी इंजीनियर थे, मेरा भाई इंजीनियर है, तो और मुझे तो तब ना उड़ान ये वो सीरियल आई थी, उड़ान कविता चौधरी, तो तारा मैं उसका देखती थी, मुझे तो यही बनना है, और मैं मतलब स्कूल में भी अच्छी थी तो मैं बन सकती थी, लेकिन ये जो मैंने अभी बताई जो बात, उससे कुछ चेंज हो गया, बिकॉज दैट एक्सपीरियंस ऑफ आप हो ही नहीं उसमें, आप परे चले गए। उसके बाद ना कुछ चीज़ें घटती गई, मतलब एक होता है ना कि हमें लगता है कि कोई और हमसे कुछ घटवा रहा, हम नहीं जी रहे, तो उस तरह से मैं एक्टिंग की तरफ खींचती चली गई, वो वाली बात हो गई। तो पहले तो मुझे कुछ और बनना था, लेकिन इस दिन के बाद आई वाज इन 10th व्हेन दिस हैपेंड। हां तो 10th में तो आप डिसाइड नहीं, हां तब तक तो ये होता है कि जो दिख गया एग्जैक्टली वही बन जाए। जैसे मैं मेरे ताऊजी यहां जाते थे, वहां एक डॉक्टर था, तो अभी भी हैं, तो उनकी फीस थी 40 रुपए, तो 50 रुपए उन्हें, उनकी वाइफ भी डॉक्टर थी, तो उनको 10 की गड्डी पकड़ा देती थी, 50 रुपए मरीज देता था, 10 वापस कर देते थे। मुझे लगा बहुत सही धंधा है ये कि भाई गाने में चली जाती थी बार बार, तो मतलब स्कूल में कभी एक्टिंग नहीं की, बस 10th में एक ही रोल किया था इंस्पेक्टर का, जो लास्ट में आके बोलते हैं ना, आप, मैं आपको गिरफ्तार कर रहा हूँ, दैट वाज द ओनली लाइन प्ले में, मैं आपको गिरफ्तार कर रही हूँ, दैट इज द ओनली लाइन, और मैंने बहुत प्रैक्टिस किया था, मैं आपको गिरफ्तार कर रही हूँ, मैं आपको, तो दैट वाज द ओनली थिंग, आई वाज नेवर इन नाटक में, कभी नहीं थी मैं। पेरेंट्स ने इसमें सपोर्ट किया कि, क्योंकि मॉम तो आपकी ऑलरेडी जी बड़े लोगों के साथ शी इज ट्रेंड, और तो आई थिंक वहां से तो कोई इशू नहीं आया, कोई इशू नहीं था। डॉक्टर श्रीराम लागू जैसे लोगों के साथ मेरी माँ बाद में काम कर रही थी, जो बचपन में घर पे आते थे। तो जब दुबे जी ने मुझे बताया कि तुम नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा चले जाओ, क्योंकि मेरी माँ ने कभी मुझे फोर्स नहीं किया कि चूंकि मैं गई थी तुम जाओ, उनका ये था भाई तुम्हें जो करना है आप कर लो। जब दुबे जी ने बताया कि जाओ, तो मुझे लगा मेरा अभी जो मेरे हस्बैंड ने उनके साथ तब मेरा अफेयर चल रहा था, तो मुझे कहा, मुझे लगा मैं कहाँ जाऊँ उससे दूर, अब भाई रियल लाइफ जो पर्सन के साथ है वो एक ही है जो अभी तक चलता आ रहा है, बाकी दो भी यूनिवर्स की वजह से ही आप
जी बिल्कुल यूनिवर्स और बिल्कुल यूनिवर्स की वजह से तो सब कुछ है भाई। तो एनीवेज तो दुबे जी ने जब कहा तो मुझे नहीं जाना था क्योंकि संदेश मेरे जो अब हस्बैंड है तब मेरे लवर तो मुझे उनको छोड़ के नहीं जाना था। तो दुबे जी ने कहा मैं मुस्कड़ित देन मतलब तमाचा मारूंगा तो मराठी बोल दे देना भाई मुस्कड़ित देन मतलब यहाँ पे पड़ेगी ना। तो मैंने कहा नहीं जाना तो पड़ेगा। तो फिर मैं गई और इत्तेफाक की बात देखिए हिबा नसीर सर की बेटी और मैं हम बैचमेट्स थे तो सब बोलते थे अरे अगली पीढ़ी आ गई है देखो ये सब। तो मैं वहाँ चली गई नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा चली गई और फिर उसके बाद फिर नसीर सर आए वहाँ पे विजिटिंग फैकल्टी। फिर क्या था उन्होंने तो जिंदगी भर की भाई ये दे दी मुझे जिंदगी भर का खजाना मिल गया मुझे उनसे। तो वहाँ पे सीरियसली क्या सिखाया उन्होंने क्या कुछ ऐसा कहा जो खजाना है आपके लिए? एक मुझे इंसिडेंट याद है जो आज तक उसको लेके चल रही हूँ। तो एक नाटक था मृतृष्णा जिसमें मेरा एक सीन था जिसमें मैं रोती थी और तालियां बजती थी और ब्लैकआउट होता था। तो तब तो छोटी थी तो मुझे बड़ा मज़ा आता था कि यार मैं जो रोती हूँ फिर तालियां बजती है मतलब मैं तो जीत चुकी हूँ। तो नसीर सर आए प्ले देखने दो शोज थे मेरे उन्होंने दोनों शोज देखे तो मुझे पता चला अगर दूसरे शो में बैठे हैं तो मुझे लगा यार शायद काफ़ी अच्छा लगा होगा काम। तब तो एक अलग एज होती है ना अज्ञान में बड़ा आनंद होता है हमें ना मतलब ऐसे लगता है कि हम कौन है। तब चाय की टपरी NSD के हम तो मैं वहाँ तो सर मुझे आते हुए दिखे मैंने ऐसे दिखाया कि मतलब मेरा ध्यान ही नहीं है भाई मैं कहाँ आपको आपकी तरफ देख रही हूँ ये वाली बात। तो मेरी तरफ आ रहे थे तो आ गए रुके तो बोले बेटा तो मैंने कहा हाँ सर मतलब ना भाई ऐसे मेरी जान चली जा रही है हम अक्सर करते हैं एक्टिंग जो बिल्ली होती है तो वो बंद कर ली भाई वो तो देख ही रही है मतलब जान चली जा रही है कि वो आ रहा है लेकिन ऐसा दिखा रही है जैसे कुछ आए। तो मैंने कहा ये सर मतलब या तो उन्होंने कहा बेटा मैंने आज तुम्हारे दो शोज देखे। मैंने कहा अब आ गई मतलब प्रेज में मैं अब लूट बच चुकी है। मैंने कहा जी बट आई एम कंसर्न्ड। मैंने कहा ये क्या रॉन्ग नंबर लग गया ये क्या हो गया भाई कंसर्न क्यों हो रहा है मतलब दोनों शोज में तालियां बजी है दोनों शोज में मैंने इतना अच्छा किया कंसर्न क्यों। मैंने कहा सो व्हाई तो कहने बेटा दोनों शोज देखे तुम तो मैकेनिकली वही कर रही थी जो पहले शो में किया वही दूसरे शो में किया यू आर नॉट एक्सपेरिमेंटिंग बी वेयर। मैंने कहा मतलब सर प्लीज समझाइए। तो बोले देखो ये बाण जो होते हैं ना हर एक्टर को पता है कि कुछ कुछ चीज़ें मुझे अच्छे से आती हैं वो मेरे बाण हैं मतलब वो एरोज हैं मेरे वो तीर निशाना लगने वाला है अगर तुम वही इस्तेमाल करोगी तो फिर रिपीटेटिव हो जाएगा यू आर नॉट एक्सपेरिमेंटिंग आई वुड रादर सी यू फेलिंग ऑन स्टेज देन गेटिंग क्लैप्स फॉर डूइंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन यू आर नॉट अ मशीन। तो मुझे बी अवेयर क्योंकि कई एक्टर्स गए हैं कि फिर वो रिपीटेटिव हो जाते हैं वो लगने लगता है एक जैसा हो रहा है यार मतलब। तो बोले भाई तीर बदलो वही तीर और कुछ एक्टर्स ये बदमाशी करने लगते हैं ये उन्होंने मुझे बात बताई कि जो चीज़ मुझे अच्छी आती है ना वो उस किरदार पे थोप दो कि मतलब मुझे पता कि मैं अच्छा रो सकती हूँ तो रुलवा दो उसको भाई जरूरत है रोने की जरूरत है वहाँ पे। तो उन्होंने कहा बेटा अगर तीर बदलोगी नहीं वही तीर निशाना फिर क्या फिर रिपीटेटिव हो जाएगी करियर खत्म हो जाएगा स्पैन अगर चाहिए यू हैव टू बी मतलब वेरिएशन चाहिए ना। तो आई वुड सी यू रादर फेलिंग डूइंग न्यू थिंग्स देन सक्सीडिंग इवन इफ यू आर स्टार दैट वोंट मैटर फॉर मी यू हैव टू डू न्यूअर थिंग्स एवरी टाइम। तो मैं तो मुझे प्रेज सुनी थी लेकिन बहुत बड़ी बात कह गए तब से वो बात मैंने बांध के मैं चल रही हूँ कि भाई वो स्टारडम फेम वो सब ठीक है मेरा रास्ता कहाँ है क्या है कि वो अलग 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 हर बार खुद को झकझोर देने वाला कुछ तो चीज़ सामने आ जाए मुझे डर लगे कि भाई ये अब नया आ गया अब क्या करूँ भाई ऐसा ना लगे हाँ ये तो बैठ जाते हैं चलो कर लेंगे चलो हाँ चलो चलो ये नहीं हो मुझे ऐसे नहीं बैठना है जिंदगी में यू नो। आपकी पैदाइश महाराष्ट्र में रही सब बचपन जो है पूरा का पूरा वहीं बीता उसके बाद आप दिल्ली आई NSD जी वापस रहे घर मुंबई में था। हाँ जी तो हाउ थिंग्स देन स्टार्टेड करियर में पहले चांसेस मिले इजीली या स्ट्रगल रहा कुछ? मराठी में मैंने बहुत काम किया और अच्छी बात यह थी शुरुआत में कि हमारा मराठी थिएटर बहुत सक्सेसफुल है यहाँ पे अभी भी है
अभी ये दौर चल रहा है कि फिल्में नहीं चल रही हैं मराठी में, लेकिन शोज हाउसफुल जाते हैं हमारे यहाँ. हमारी परंपरा बहुत बड़ी, यू नो, इट्स अ ट्रेडिशन. और चूंकि मैं थिएटर के बैकग्राउंड से ही आई हूँ, तो आते ही मैंने थिएटर ही शुरू किया. और मेरे जो लवर, जिनकी मैंने बात की संदेश जी, तो उनका एक्सपेरिमेंटल थिएटर का ग्रुप है समन्वय, तो हम दोनों ने मिलकर नाटक शुरू करने की शुरुआत की. एंड अभी तक वो, मतलब नसीर सर तो ऐसे हैं, मतलब वो मेरा काम देखते रहते हैं, नाटक देखने भी आते हैं. और फिर मैं उनको बोलती हूँ, सर वो पहली बार गली बॉय ने, उन्होंने मेरी तारीफ़ की, नहीं तो तारीफ़ तो वो करते नहीं है ऑब्वियसली. तो बोले, अब तेरी गाड़ी चल पड़ी है. अच्छा। फिर बोले, फिर जब फिल्म फेयर मिला तो बोले, हाँ फिल्म फेयर अच्छा है, मुझे अच्छा लगा, लेकिन थिएटर कब कर रही हूँ. मैंने देखा काफ़ी गैप पड़ी, तो ही कीप्स आस्किंग द सेम क्वेश्चन टू मी. मेरा देखते रहते हैं, सर अभी मैंने बॉम्बे बिंग्स किया, वो ठीक है, थिएटर कब कर रही हूँ. सर मैंने अभी ये किया, ठीक है, थिएटर कब. सो ही हैज़ द सेम क्वेश्चन फॉर मी. सो ही हैज़ गिवन मी दैट थिंग, यू हैव टू कम बैक टू थिएटर. सो आई स्टार्टेड विथ थिएटर वेन आई केम टू मुंबई. एंड आई हैव बीन लकी कि माई फेयर लेडी, ये जो प्ले है उसका जो मराठी वर्जन है, जिसका नाम है ती फुलराणी, तो भक्ति बर्वे नाम ना बहुत बड़ी हमारे के यहाँ की एक्टर, वो करती थी, पर उनका देहांत हो गया. और उसके बाद, यू नो द स्टोरी ना, फूल वाली होती है जो रास्ते पे होती है और वो फिर लेडी बन जाती है, तो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला कैरेक्टर. तो वामन केंद्रे जी उसको मराठी में करने वाले थे, एंड ही वॉन्टेड समवन हु कैन सिंग, सिंगिंग एक्ट्रेस. तो थिएटर में सिंगिंग एक्ट्रेस चाहिए थी, तो किसी ने बोल दिया अमृता गाती भी है. एंड देन आई गॉट दैट अपॉर्चुनिटी, एंड सो पहला ही प्ले बहुत बड़ा मुझे मिल गया और वो गाने वाला था. देन मुझे काम से ही काम मिलता गया. बट ये है कि ऑडिशंस देती रही मैं, मतलब हिंदी में मैंने धमाका तक की ऑडिशन दी है. मैंने अनुराग के तीनों फिल्म प्रोजेक्ट्स की ऑडिशन दी है, मतलब ऐसा नहीं कि पहली बार उसके साथ काम किया तो दूसरी बार ऐसे ही उसने बुला लिया, नहीं. सो आई हैव बीन ऑडिशनिंग. सो एक तरह से वो, उसको आप स्ट्रगल कहो जो भी कहो, बट आई डोंट कंसिडर इट दैट वे. मतलब मुझे लगता है कि वो एक अपॉर्चुनिटी है. बट आई थिंक जो आपकी एक्टिंग में एक रिफाइननेस दिखती है, मुझे लगता है वो शायद वजह वो भी है कि आपने अगर ऑडिशन दिया तो कहीं ना कहीं आप उस किरदार में सूट करती हैं जी, तो ही उन किरदारों को पसंद भी किया जाता है. एग्जैक्टली, मतलब वैसे होता होगा, मुझे ऐसे लगता है. तो थिएटर से शुरुआत की. फिर पहली फिल्म जिसके लिए ऑडिशन की वो थी श्वास, जो उस वक्त इंडिया की ऑस्कर एंट्री, ऑस्कर में भेजी गई वो फिल्म. मुझे नहीं पता था वो उसको स्वर्ण कमल मिल गया, मराठी की फिल्म, मराठी फिल्म को स्वर्ण कमल काफ़ी सालों बाद मिला. उसके बाद मराठी में एक ऐसी ट्रेडिशन आ गई कि काफ़ी फिल्मों को नेशनल अवार्ड्स मिलते गए, उन काफ़ी फिल्मों का मैं हिस्सा थी. तो कई लोग मुझे पूछते थे, ऐसे कैसे होता है कि मतलब आप नहीं, हाँ मतलब, तो उसका रीज़न अब जब मैंने लुक बैक, वो ये है कि मेरे मामा जी जीपी देशपांडे, जो बहुत बड़े नाटककार थे, मेरी नानी जी जिन्होंने रहमतपुर नाम के एक छोटे से गांव में पहली लाइब्रेरी शुरू की थी हमें, एंड शी एनकरेज वुमेन टू रीड, शी एनकरेज मी टू रीड. तो अच्छा कंटेंट, मतलब एक्टिंग, जो एक्टर है ना उसका काम सिर्फ एक्टिंग नहीं है, उसको अच्छा कंटेंट समझना चाहिए, तभी आपका करियर बनता है. तो ये काफ़ी मराठी फिल्में हैं जिसमें मेरे मेन रोल्स नहीं थे, फिर भी मैंने वो फिल्में की क्योंकि मुझे पता था ये कॉन्टेंट अच्छा है. तो जिस फिल्म के लिए मुझे खुद नेशनल अवार्ड मिला असिस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का, 10 मिनट का रोल है मेरा उसमें, बट आई न्यू दैट दिस इज गुड कंटेंट. और फिर मुझे नसीर सर ने भी बताया कि ऐसे किरदार करो, लेंथ मत देखो, यू आर एन एक्ट्रेस, ऐसे किरदार करो जिसका कॉन्फ्लिक्ट स्क्रीन पे दिखता है. फुल लेंथ भी होना तो ऐसा किरदार मत करो जिसका कॉन्फ्लिक्ट स्क्रीन पे नहीं दिखता है, नहीं तो वन डायमेंशनल हो जाएगा. तो ऐसे फिर मैं किरदार करती गई क्योंकि मैं गुड कंटेंट को खोजती गई. वो अफेयर जो मैंने कहा वो बहुत सालों से चलता रहा और उसकी वजह से फिर वो नेशनल लेवल पर रिकग्निशन बनता रहा. देन आई डिड किला, जो विच वॉज द फर्स्ट मराठी फिल्म, जो क्रिस्टल बेयर, मतलब बर्लिन में वो जीती फिल्म, और उसकी वजह से फिर हिंदी के दरवाजे खुल गए. तो मेरा ये है कि काम से ही दरवाजे खुलते गए, ऑडिशन से ही बातें बनती गई. मतलब कुछ ये नहीं हुआ कि पहचान से, हालांकि मराठी में माँ को पहचानते थे लोग, और वो वाली बात थी कि भाई ज्योति की बेटी है, तो मुझे बहुत टेंशन आता था. मतलब गली बॉय में विजयराज सर तो मुझे चिढ़ाते थे,
द मोमेंट माई मदर यूज टू कम अराउंड मी आई विल बी लाइक सो ही इज लाइक भाई क्या है मतलब यू नो इतना भी क्या डरती हो. तो मैंने कहा नहीं इट्स स्टिल देयर लाइक यू नो उनका वो. तो पर धीरे धीरे फिर हिंदी के दरवाजे खुले एंड ऑफ कोर्स अनुराग कश्यप इट हैज टू बी हिम. तो एक चीज आज मैं अनुराग कश्यप से बात कर रहा था. अच्छा तो भाई उनके साथ की बहुत मजेदार कहानी है. रमन राघव में हालांकि उसने पहले लाइंस दिए लेकिन वो क्या करता है पता है वो उसके एटीट्यूड्स बदल देता है पूरे. मतलब आपको ही नहीं पता है कि ये लाइन इस तरह से बुलवाएगा वो आपसे. तो पहला जो फिल्म था मैं और नवाज उसमें उसने लाइन दिए थे मुझे. देन सीक्रेट गेम्स 2 उसमें तो रॉय एजेंट तो उसमें वो मैं जाती थी सेट पर. मैं ऐसे असिस्टेंट ना मुझे ऐसे ऐसे देखते थे क्योंकि मैं उसको लाइन्स दे स्क्रिप्ट बिकॉज मैं बहुत डरती थी कि स्क्रिप्ट दे तो वो ऐसे करते थे असिस्टेंट. तो फिर मैं देखती थी कश्यप लिख रहा है कश्यप इज राइटिंग तो मैं देखती थी. एंड देन ही इज लाइक हाँ. तो नवाज बहुत खुश होता था क्योंकि नवाज सेक्रेट गेम्स 2 में मैं उसको झाड़ रही हूँ और वो सिर्फ सुन रहा है तो उसको लाइन्स ही नहीं होते थे. तो जैसे ही लाइन आते थे सीन आता था मैं ऐसे ऐसे हो जाती. तो नवाज बोलता था मेरा तो याद हो गया उसका जब हो जाएगा तब कर लेंगे टेक. तो मैं ऐसे उसको देखती थी यार कैसा तू कमीना इंसान. हाँ तो हंसता रहता था देख मेरा तो हो गया. एंड देन बट देन यू नो व्हाट ही कैचेस कश्यप की वो ये है ना कि ही कैचेस कि एक एक्टर जो है ना वो आप अगर इनसिक्योर कर दो ना तो वो उसका बेस्ट ही दे देगा बिकॉज दे वोंट लाइक टू फेल. तो ये वाली बात. और तीसरी जब फिल्म की मैंने कश्यप के साथ चोक्ड तब तो उसने मुझे किरदार स्क्रिप्ट दिया ही नहीं. मतलब सेक्रेट गेम्स 2 में थोड़ा सा पता था. मैं सेट पे आती थी तो मुझे स्टोरी मतलब बस आउटलाइन पे पता थी पर वो मेरा इलाका था बिकॉज इट वॉज अ महाराष्ट्रन कैरेक्टर. सो वो मुझे पता था आज ये कैरेक्टर ये कर रही है इम्प्रोवाइज. सो मैं इम्प्रोवाइज करती थी वो कट तक नहीं बोलता था. मैं कुछ भी बोलती थी संयमी बेचारी सवाल के जवाब देती थी रहती थी. शी इज ऑल्सो महाराष्ट्र. सो वो हंसता रहता था हंस रहा सीन बढ़ता जा रहा है. तो फाइनली फिर मैं बोलती थी अरे यार कट तो बोलो मतलब कितनी देर तक करूँ मैं. मतलब हर शॉट एक फिल्म बनती जा रही थी. बट दैट काइंड ऑफ फ्रीडम ही तो चौक के वक्त ऐसी चीज हो रही थी कि लाइक इतना बन गई थी ना बात एक दूसरे के साथ. तो मैंने उससे पूछती भी नहीं थी. मैं बस जो वो बता रहा था उसके हिसाब से इम्प्रोवाइज. और उसका भी देखो ना कितना विश्वास कर रहा है मुझ पे कि उसने मुझे स्क्रिप्ट भी नहीं दी है. मतलब एटलीस्ट कुछ नहीं दिया है उसने मुझे. सो अब तो वो वाली बात है कि उस तरह से अंडरस्टैंडिंग बना हुआ है. अच्छा आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं जैसे आपने बताया कि नसीर साहब पूछते रहते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि मतलब नसीर साहब जैसा बंदा आपको बार बार अवेयर कर रहा था जी जी तुम ये नहीं कर रही हो वहां तुमने अच्छा किया. बट बहुत लोगों के साथ ऐसा नहीं होता जी. तो यू सी कि दिस इज अ बिग ब्लेसिंग फॉर यू. इट इज सच अ बिग ब्लेसिंग. एक और ब्लेसिंग बताऊं आपको. मैं जब एनएसडी में थी तो सलीम आरिफ सर थे वहां पे. तो वो यहाँ आए और वो गुलजार साहब के साथ काम करते थे. तो गुलजार साहब प्रेमचंद की कहानियों पे एक प्रोजेक्ट बना रहे थे जिसमें निर्मला जो उनकी नॉवल है निर्मला के लिए. फिर तो सलीम सर ने गुलजार साहब से मेरी मुलाकात करवाई. उससे पहले एक छोटी कहानी बनाने वाले थे प्रेमचंद की. तो गुलजार साहब के घर पर मैं तो पागल ही हो गई उनको देख के. तो मैंने कहा ऑडिशन होगा क्या. तो बोले नहीं एक गाना गाओ. मैंने कहा जी एक गाना गाओ कोई ये पता है जो बच्चे को सुलाते वक्त जो. मैंने कहा हाँ मराठी पता है गाओ. तो मैंने लिंबोणीचा झाडा मागे चंद्र झोपला ग बाई आज माझ्या पाडसाला झोप का ग येत नाही. सिलेक्ट ऐसा उन्होंने बोला. मैंने कहा जी थैंक्स आप सिलेक्ट हो गई. एक सवाल. मैंने कहा जी आप पान खाओ खाते हो. मैंने कहा नहीं खाती थी. मैंने कहा हाँ. मैंने कहा उसकी वजह से चला रहा. मैंने कहा हाँ बस हाँ क्योंकि पान खाना पड़ेगा उस रोल के लिए. मैंने कहा हाँ हाँ मैं खाती हूँ. और फिर गुलजार साहब के साथ काम करने का वो जो दिन थे मतलब वो अलग ही. और प्रेमचंद पहले एक शॉर्ट स्टोरी बनाई फिर निर्मला के लिए कास्ट किया उन्होंने मुझे. इट वॉज इंस्टीट्यूशन इन इट सेल्फ. मतलब जो उन्होंने चीज़ें सिखाई तो आपने जैसे कहा इट हैज़ बीन अ ब्लेसिंग कि ये लोग
आए मेरे साथ, और जिस तरह के डायरेक्टर्स, मतलब जोया है, अनुराग की तो मैंने बात की, तो कई डायरेक्टर्स जो ऐसे मिले, सो इट हैज़ बीन अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स। थोड़ी सी बचपन की भी बात करते हैं जी, अब यहाँ हम आपकी जर्नी तक तो आ गए, देन सास बहू एंड अचार हैपन्ड जी, वो कहीं ना कहीं आपके लिए मुझे लगता है कि जिसे कहते हैं ना कमर्शियल सक्सेस बोलूं जी जी, मतलब आई डोंट नो इफ दीज वर्ड्स आर राइट, हां पर नंबर्स अच्छे आए तो अभी तक आप के कैरेक्टर्स बहुत अच्छे थे सारी चीजें थी, बट इसने आपको कहीं ना कहीं एक मासेस, हाँ मतलब जब आप एयरपोर्ट पे वगैरह, अरे अचार अचार ऐसे मुझे बुलाते हैं, अचार अचार जी अचार, तो ये मुझे लगता है आपको इससे मिला, लेकिन इस तरह का एक प्रोजेक्ट जब आपके पास आ जाता है, यू आल्सो एंजॉय बीइंग एन एक्टर, या जैसे मुझे गार्ड मिले आईआईटी बॉम्बे में, मराठी में काफी होते थे, बिकॉज देन आई डिड सम सीरियल्स, टेलीविजन सीरियल्स जब आप करते तो एकदम से आप फेमस हो जाते, एकदम से फेमस, तो वो मैंने उसका अनुभव हुआ था, पर ये ओटीटी से क्या हुआ ना, एकदम से वो रीच बढ़ गया, और हिंदी में कभी मैंने वो, मतलब जैसे दिल्ली के गलियों में मैं शूट कर रही थी, तो ये दिल्ली 6 के लोग तो कमाल के होते, मैं आपको तो पता ही है दिल्ली के लोग जो भी होते, अब देखा आपको उनको पेल दिया आपने, मतलब मैंने कहा यार ये, मतलब ये क्या बोल रहे हैं, मतलब यू नो ऐसे वाली बात, समझे ना वो वाली बात, ऐसे वाला वो उनका जो टोन होता था, तो ये बात नहीं है मेरे लिए, बिकॉज हिंदी में भी ये होने लगा, विच इज अ वेरी नाइस थिंग, कि मतलब वहाँ पे कोई रास्ते पे आपको ये बोल रहे हैं, सो इट्स वेरी, बट हैविंग सेड दैट, मैंने जैसे कहा मुझे ट्रिगर करने वाली चीज़ें इससे अच्छा लगता है, आई वोंट डिनाई दैट, यू नो इससे अच्छा लगता है, बट ट्रिगर करने वाली चीज़ें कॉन्टेंट और कॉन्टेंट। बचपन के कांड, पीटा हो किसी लड़के को, मम्मी को बुला लिया गया हो स्कूल में, देखो आपकी बेटी क्या कर रही है, इस तरह की बातें नहीं है, शरीफ बच्चे थे। अब पहले मैं जब बहुत शर्मीली वगैरह थी, मैं कब तक, 10th तक, ये दुबे जी वाला हादसा, इससे पहले आप शर्मीली, हाँ नहीं, लेकिन कांड तो यार सब लोग करते रहते हैं, तो मैं एक दिन मुझे याद है कि ये होमवर्क दिया जा रहा था, तो मेरा भाई मुझसे 3 साल छोटा था, वो वहीं पे शिशु वर्ग होता है ना, हम शिशु वर्ग बुला देते जैसे नर्सरी, हाँ हाँ, मतलब क्या कहते हैं उसको, बालवाड़ी को क्या कहते हैं यार हिंदी में, जिन मतलब एकदम केजी 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 के, तो मैं थोड़ी सी बड़ी थी, वो वहीं पे उसका भी ये था होता था, तो मैं वहाँ पे पढ़ रही, तो एक दिन मैंने क्या किया, मैंने होमवर्क किया नहीं था, तो टीचर जैसे आती गई मेरे तक आती, मैंने कहा आप ये क्या बताओ, तो मैंने कहा टीचर वो क्या हुआ कि मैंने जिस कागज़ पर होमवर्क लिखा था वो कागज़ मेरे भाई ने फाड़ दिया, तो इसलिए मुझे पता ही नहीं चला कि मैं होमवर्क कैसे करूँ, नहीं तो मैं करना चाहती थी, तो टीचर ने मेरी तरफ देखा, तो उन्होंने कहा अच्छा जाओ भाई को बुला ला, मैंने कहा भाई है तो मैंने सोचा ही नहीं था, फंस गई, तो मैं उसको बुलाने गई, मुझे ही भेजा था बुलाने, तो मैंने उसको रास्ते में आते हुए बताया कि वो मुझे बोलेंगी कि तुमने फाड़ा था तो हाँ बोलना है, और ये चीज़ मम्मी को नहीं बोलनी है, नहीं तो एक झापड़ में सब बड़ी जो दीदियाँ करती हैं वो सब मैंने कराया, और घर में मम्मी को नहीं बोलना है, मम्मी को नहीं बोलना है, तो बेचारा आ गया, तो उन्होंने पूछा आपने फाड़ा, बोला हाँ मैंने फाड़ा, तो बोले ऐसे नहीं करना है, तो बोला हाँ ठीक है, वो चला गया, फिर हम घर गए, मैंने कहा चलो गुड, सब चीज़ टल गई, बात सेट हो गया मामला, तो हम खाना खाने बैठ गए, तो हम खा रहे हैं, तो मम्मी अपना इर्द गिर्द है, तो मेरा भाई मराठी में ना आज काय झाल, मतलब आज क्या हुआ था, तो मेरे ना यही पर, तो मैंने ऐसे कहा उसको, तो मम्मी ने कहा क्या हुआ था, तो बोला कुछ नहीं मैं ऐसे ही गाना गा रहा हूँ, कुछ नहीं हुआ था, कुछ नहीं हुआ था, कुछ नहीं हुआ था, तो मेरी तो मतलब ऐसे पसीने छूटने लगे, फिर से आज क्या हुआ था, तो मैंने कहा यार मम्मी के क्या हो क्या रहा है, कुछ नहीं हुआ था, मैं तो ऐसे गा रहा हूँ, तो मुझे इतना टेंशन बढ़ रहा है, मेरा टेंशन बढ़ रहा है, तीसरी बार जब उसने आज क्या हुआ, तो मैंने हाँ मैंने झूठ बोला, मैंने झूठ बोला, मैंने झूठ बोला, मैंने खुद बोल दिया, तो मेरी मम्मी ने कहा व्हाट इज हैपनिंग, तो मेरा भाई बोला अरे मैंने कहा बोले तू क्यों बोल दिया, मैंने कहा हाँ क्योंकि तेरा ये टेंशन मेरे से, तो मैंने माँ को बोला हाँ मैंने झूठ बोला मुझे माफ कर दो, तो फिर मैंने पूरी सारी बात माँ को समझाई, तो मैंने कहा ठीक है फिर से नहीं करना है लेकिन झूठ नहीं बोलना, तो मैंने कहा हाँ लेकिन खुद ही बोल दी थी, तो ये आज क्या हुआ था,
शातिर था वो इंसान, मतलब केजी का बच्चा इतना शातिर, अरे तीन बार उसने क्यों दिया और आप जो है एकदम, मैं उसने मुझे ब्रेक कर दिया पूरा। अब वो बहुत अटलांटा में बड़ा घर है उसका और वो ये सब चीजें, वो शातिर इंसान वहां पहुंच चुके हैं। अभी क्या रिएक्शन रहता है भाई का आफ्टर दिस होल? नो, ही इज वेरी proud of me and वो मुझे बहुत अच्छे अच्छे ये देता है, मतलब he's very fond of my singing। तो मुझे बोलता रहता है यार तू एक्ट्रेस बन गई लेकिन मैं चाहता हूँ तू सिंगर भी बन। तो जब मैं कपिल शर्मा शो के लिए गई धमाके के लिए, तो मैंने कहा यार मैं क्या बोलूँ वहाँ क्या बोलूँ, तो उसने मुझे आइडिया दिया, जय मेरे भाई का नाम जय है, तो उसने मुझे बोला कि तू गाना गा बिकॉज कपिल शर्मा इज अ वेरी गुड सिंगर। मैंने कहा यार ये बात तो मेरे जहन में नहीं आई थी। मैंने कहा, तो उसने कहा हाँ, तो मैंने जाके गाना गा लिया, तो कपिल वाज सो हैप्पी, देन ही स्टार्टेड सिंगिंग विद मी एंड देन हमने वो तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, वो गाना हमने दोनों ने मिलके गा लिया। एक्चुअली योर ब्रदर इज वेरी राइट, यू सिंग ब्यूटीफुली। थैंक यू, आई मीन आई लव सिंगिंग, बट अब एक किसी को तो चुनना। और हमने तीन अफेयर्स की बात की, पर जब आपके हस्बैंड की बात की तो बड़ा अच्छा सा एक्सप्रेशन आपके फेस पे आया। आई रेड दैट, थैंक यू। क्या स्टोरी है, मैं मतलब वो लव स्टोरी जानना चाहता हूं मैं। अभी वाह यार, कितने साल हो गए वैसे? कितने, काफी, अब मुझे याद भी नहीं कितने साल हो गए। मैं 17 साल की थी जब ये इंसान मुझे दिखा, तो बहुत ड्रामेटिक, अरे ड्रामेटिक है बहुत। तो इनकी जो बहन है वो भी हमारे इंडस्ट्री से, सोनाली कुलकर्णी, दिल जाता है, वो मेरी ननद है। हाँ, तो वो मेरी दोस्त थी, दुबे जी के वर्कशॉप में वो भी थी, ठीक है। तो हम वहाँ जा रहे हैं, दुबे जी के वर्कशॉप में जा रहे हैं वापस, फ्लैश बैक। तो वो मुझे बहुत पसंद थी कि यार कितनी ये सुंदर है, मतलब सोनाली ना उसकी आंखें और कितना अच्छा काम करती, कितनी अच्छी एक्टिंग करती है, ऐसे होता है ना वो। तो उससे मेरी दोस्ती थी, तो 3 नवंबर उसका जन्मदिन, तो मैंने सोचा सोनाली का, तो मैंने सोचा उसको मुझे हैप्पी बर्थडे बोलना है। तो मैं ना किसी शादी में जा रही थी, तो हमारे परकर पुल का होता है शरारे जैसा ड्रेस होता है, वो मैंने पहना था। और मैं उसको हैप्पी बर्थडे करने घर जैसे पहुंची, तो एक आईने के सामने एक बहुत हैंडसम आदमी खड़ा है, वो ऐसे उसके कुर्ते का जो ये है वो फोल्ड कर रहा है। तो आई स्वेयर आई वाज 17 एंड आई एम लाइक ही इज माय हस्बैंड 17 साल में। तो वो बोलता है मैं झूठ बोल रही हूँ, लेकिन सचमुच मैं सच बोल रही हूँ, मुझे लव एट फर्स्ट सेट हो गया। तो उसने कहा यस, तो मैंने कहा सोनाली, तो उन्होंने कहा हाय सोनाली तुम्हारी कोई दोस्त है, मराठी में बात करने लगा। तो मैंने कहा हाय हैप्पी बर्थडे, और उसके बाद मैंने सोनाली अभी मुझे कहती है, मैंने उससे दोस्ती बढ़ा ली सोनाली से, ताकि मुझे ये मिला। और मैं क्या करती थी, बहुत देर तक सोनाली से बातें करती थी, तो फिर वो बोलती थी अरे संदेश इसको घर छोड़ना अभी बहुत देर हो गई है, फिर उसके पीछे बैठ के मैं घर स्कूटर पे, लड़के ऐसी हरकतें करते हैं। अरे मैंने पूछा उसको शादी के लिए, अच्छा जो सब लड़के करते हैं वो सब मैंने किया हुआ है, मतलब तो हाँ। तो मैंने उसे पूछा, तो 17 साल की उम्र में शादी के लिए पूछ लिया, नहीं नहीं, तो हम दोनों ने प्ले किया प्ले। तो वहाँ पे पुरुषोत्तम करंडक नाम की बहुत कमाल की कॉम्पिटिशन रहती है पूना में, इंटर कॉलेजिएट कॉम्पिटिशन, जिसके काफी मतलब उसमें जो जीतेगा ना वो फिर बाद में एक्टिंग ही करेगा। तो उसमें संदेश ने एक वन एक्ट लिखा था और जो मैंने डायरेक्ट किया था, तो फिर हर रोज हम लिख साथ मिलके लिख, तो मैं लिपस्टिक लगा के जाती थी वो लिख तो फिर बात बनती गई मेरी तरफ से। तो वो तो मुझसे 6 साल बड़ा था, वो 23 साल का, तो मैंने उसे बोला कि मुझे लगता है हमें सिर्फ दोस्ती नहीं रही है। तो उसका वो बोले मतलब क्या है, मैंने कहा कुछ और है। तो उसने कहा नहीं पागल है तू, 17 साल की ये भी कोई उम्र है और है करने की, अभी तू पढ़ लिख उसके बाद देख लेंगे, ऐसा कुछ नहीं मेरे तरफ से, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर मेरा दिल टूट गया। तो मैंने कहा यार, तो मैंने कहा देखो आई एम द इन्वॉल्व पार्टी, तो मेरी तरफ से दोस्ती नहीं हो पाएगी, अगर होनी है तो शादी होगी, नहीं तो फिर कट ऑफ, फिर तू अपने रास्ते चला था, मैं इन्वॉल्व हूँ तो मैं दोस्ती नहीं कर पाऊँ। तो फिर मैंने कट ऑफ कर लिया, फिर उस बंदे को भी लगने लगी बात ना मिस करने लगा। तो फिर दुबे जी अगेन ही एंटर्स, तो दुबे जी आए थे, मैं बहुत मेरा दिल टूटा हुआ है, मैंने सोचा है कि मैं कभी शादी नहीं करूंगी, 17 साल की उम्र है, लेकिन मैंने सोचा जिंदगी खत्म हो गई मेरी, अब उस सब के साथ होता जो, तो हार्ट ब्रेक हुआ है। तो मैंने दुबे जी मिले मुझे, तो मैंने कहा दुबे जी मुझे लगता है मैं दिखने में अच्छी नहीं हूँ, देखो ना मेरे कंधे बहुत ऐसे अजीब से। दुबे जी ने कहा किसने बताया, ऐसा कुछ नहीं है तुम तो अच्छी हो। मैंने कहा मेरा पोस्चर ठीक नहीं है, सब चीजें मेरे गलत है। तो दुबे जी ने कहा ये कुर्सी उठाओ सर पे रखो और यहाँ पे चलो तो पोस्चर ठीक हो जाएगा। तो मैं कुर्सी उठा के चलने लगी और दुबे जी सो गए, तभी मैं चल रही हूँ कुर्सी सर पे रख के हमारे फ्रेंड के फ्लैट में। तो मैं दरवाजा खुलता, मैंने मुझे दिखता कि संदेश। तो मैंने कहा इसको मैंने बोला है कि मत आओ मुझे मिलने, आप क्यों आए? तो उसने मैंने ऐसे किया,
तो मैं तो कुर्सी पोस्चर, तो मैंने कहा कुर्सी तो उसने कहा नीचे रख, तो मैंने रख दी। मैंने कहा नहीं दुबे जी आ जाओ, यू नो, तो मैं ऐसे ऐसे चली गई। तो योगी नाम का रेस्टोरेंट था, योगी नाम का रेस्टोरेंट था जहाँ पे बहुत चाइनीज अच्छा मिलता था, मुझे अमेरिकन चॉप्स ही पसंद है, वहाँ पे लेके गया। मुझे लगा अब तो बात बन गई ना, क्यों आया है भाई इंसान, वापस आया है। तो उसने कहा वन अमेरिकन चॉप्सी, तो मैंने कहा चलो चॉप्सी आई। मैंने कहा क्यों बुलाया तुम्हें ऐसे कर रहे हैं। फिर मैंने चॉप्सी का एक मैंने उठाया, तो बोला मैंने तुम्हें ये कहने के लिए बुलाया है कि मैंने मेरी ना ही है लेकिन तुम खुश रहना, जिंदगी अच्छे से काटना। तो मैंने कहा इज दिस फॉर रियल, आर यू क्रूएल, ये क्या बात है, मतलब कैसा इंसान है ये। तो मैं रोने लग गई, लेकिन रोते रोते मैं चॉप्सी खा गई। तो मुझे अभी भी सुनाता है कि तेरी जिंदगी तबाह हो रही थी लेकिन तूने चॉप्सी नहीं छोड़ी। मैंने कहा हाँ, जोरबा द ग्रीक नाम की फिल्म है जिसमें वो इंसान ना उसकी लवा मर जाती है तो उसका तोता होता है ना उसको लेके वो आगे बढ़ता है। तो मैंने कहा देख मैं जिंदगी के साथ आगे बढ़ूंगी, जो मौत की तरह नहीं आगे बढ़ना है। तो मैं रोने लगी और मैं चॉप्सी खा रही थी। उसने कहा वो रोना मत, सॉरी सॉरी आई आई वांट टू से इट्स अ यस। एंड देन मैं हंसने लगी, जब मैं रो रही थी हंस रही थी और मैं चॉपसी खा रही थी, और तब से लेकर आज तक उसके साथ चॉपसी खा रही हूं। तो माने कैसे फिर वो? तो मैंने कट ऑफ किया था ना, फिर वो मिस कर गया मुझे, उसको पता चल गया प्यार हो रहा है भाई उसको। तो फिर अभी हम एक नाटक करते हैं जिसका नाम है फिर से हनीमून। तो तब से हम नाटक कर ही रहे हैं। तो फिर से हनीमून जो एक कपल की कहानी है जिसमें वो हस्बैंड है मैं वाइफ हूँ और उसी ने लिखा हुआ है। ऐसे कपल की कहानी है जो जिनके शादी को कुछ साल हो गए हैं और उनको लगता है कि कुछ चीज़ें निकल गई हैं रिश्ते में। तो वाइफ डिसाइड करती है कि उसी जगह फिर से जाएंगे माथेरान जहाँ पर हम पहली बार हनीमून के लिए गए थे, और फिर चीज़ें बदलने लगती है। लेकिन क्या होता है वो आप नाटक में देखेंगे जो मैं आपको बुलाऊंगी। पक्का? अच्छा आपकी शादी हो गई कितने साल हो गए? 2003। मतलब 23 आने वाला, 20 साल। बट संदेश जी मैं ये कहूँगा कि आज भी आप पहली बार मेरा कोई प्ले देखने का मन भी कर रहा है। बिल्कुल। So we'll definitely watch. तो आप, आपकी शादी हुई है? हाँ मेरी शादी। हाँ तो वो प्ले बीबी के साथ ही देखना है। हाँ ठीक। It's about a couple. ठीक। Done. So you have to see it with a couple. और एक कपल जो आजकल के जमाने में देखो ना, मेरे पास वक्त है तो तुम्हारे पास वक्त नहीं, तुम्हारे पास वक्त है तो मेरे पास वक्त नहीं। हमारे डबल बेड के दो टुकड़े हो चुके हैं और जो समंदर के लहरों पर गोते खाते एक दूसरे से दूर दूर जा रहे हैं। इस खारे समंदर की लहरें निगल जाएंगी हमें, उससे पहले एक छोटा ही सही पर समय का शांत नीला टुकड़ा खोजना होगा, नहीं तो बहुत देर हो चुकी होगी। वाह, ये हर कपल की कहानी है। यस। तो देखनी पड़ेगी। लेकिन आपकी कहानी बहुत शानदार है और आप लोग भी देखिएगा ये कहानी पूरी और बहुत जल्द। और आई होप जितना मजा मुझे आया सुनने में उतना मजा सबको आएगा, आपके फैंस को आएगा। थैंक यू। अचार 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 जो कहते हैं, तो अचार कैसे बना, अचार कैसे पड़ा, अचार वुमन, अचार वुमन। तो देखेंगे एंड सी यू सून। थैंक यू सो मच, इट वाज अ ग्रेट इंटरव्यू। थैंक यू सो मच। ये जो वेट किया ना वो इट वाज वर्थ। अरे मतलब मेरे लिए वेट किया। थैंक यू। थैंक यू।